प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा वार जाकर के प्रचार करेगी। कांग्रेस पार्टी ने कई एलईडी वैन आज उतारे हैं और यहां से रवाना की गई हैं। हम कांग्रेस पार्टी दफ्तर पे हैं और यहां हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता सतीश आडवाणी जी हैं, जो पूर्व विधायक भी हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या जो जा रही हैं ये वैन, कितनी वैन हैं और कहाँ कहाँ जाएंगी। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज में हमारी 200 गाड़ियाँ जा रही हैं, पहुंच चुकी हैं, कुछ एक यहाँ से आए रवाना की हैं। यही गाड़ियाँ फिर थर्ड और फोर्थ में पहुंच जाएंगी, ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स्थ में पहुंच जाएंगी। किस तरह की सुविधा दी गई है, क्या कुछ इसमें है, कुछ अलग एक्स्ट्रा है इस बार, क्योंकि डिजिटल प्रचार भी है? हर तरीके की इसमें जो मॉडर्न आप चाहते हैं वो सभी तरह की इसमें सुविधाएँ हैं। और जो प्रियंका जी ने आज तक इस पूरे यूपी में प्रचार किया, प्रसार किया, राहुल जी ने किया, या कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वो सब इसमें दिखाई जाएंगी। आज कितनी गाड़ी रवाना की गई हैं? आज यहाँ से 6 गाड़ियाँ आज यहाँ से हुई हैं, बाकी पहुँच गई हैं, गाड़ियाँ पहुँच गई हैं। ये तो आप लोगों को कि स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से प्रचार। डोर टू डोर भी कुछ शुरू है? डोर टू डोर हमारी माताएँ बहनें बराबर चल रही हैं, बराबर डोर टू डोर काम कर रही हैं। अभी हम सुबह उन्नाव में छोड़ के आए हैं, बाराबंकी में छोड़ के आए हैं महिलाओं को, और वो दिन भर प्रचार करती हैं, वहाँ की लोगों को साथ लेके, वहाँ की महिलाओं को साथ लेके, फिर रात को हम इनको बुला लें। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बाकी पार्टियों के बड़े बड़े नेता मैदान में हैं, घर घर जाके पंपलेट बांट रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वो पार्टी के और बड़े नेता हों, कांग्रेस में इस तरीके के प्रियंका जी, राहुल जी भी आएंगे डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए? शायद आप तो पत्रकार हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए। नोएडा, गाजियाबाद, प्रियंका जी बराबर चल रही हैं, बराबर चल रही हैं, और हमारे बाकी के नेता भी जो स्टार प्रचारक हैं वो भी चल रहे हैं। प्रियंका जी तो दिन रात लगी हुई हैं। हाँ, वो दिख रहा है, लेकिन वो जो जिस तरीके जो तरीका है रोड टू रोड जा करके, वो तो रोड से उनका देखा जा रहा है, वहाँ चल रहा है रोड टू रोड, जिस तरीके से आपको उनका दिखाई दे रहा है वैसा ये भी दिखाई देना चाहिए। वो भी रोड पे चल रहे हैं, हम भी रोड पे चल रहे हैं। ये है कि गली मोहल्लों में चल रहे हैं, मेन रोड पे नहीं चल रहे। क्या कुछ होने वाला है सर 2022 में? बहुत अच्छा होने वाला है, हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। ये थे सतीश आडवाणी जी, इनका साफ कहना है कि जो वैन यहाँ से रवाना की गई है वो 200 वैन है, और हर चरणबद्ध पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा वार जाकर के पार्टी का प्रचार करेंगी, और 2022 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।